वेलकम बैक मोमना, ये बताएं पंजाबी भी आपको हार्ड को समझ आ रही होती है? हां आई अंडरस्टैंड, मैंने अपने आप को पंजाबी खुद सिखाई थी। हाँ, कुछ मुझे कोई सिखाता नहीं था तो आपने क्या थोड़ी बहुत ही आती है, ज्यादा नहीं। क्या सिखाया आपने आपको? ये हालत वड्डा ठीक है। आप पंजाबी में मुझे कहना कि बड़ा प्यारा लग रहे हैं सोने, अभी पता चल जाता आती कि नहीं पंजाबी। कितने सोने लग गए हो, काट तुसी भी नहीं जनाब। कह तुम रहे हो, खुश मलिक साहब हो रहे हैं। मलिक साहब, कोई सियासत के अलावा कोई शौक है, कोई हॉबी या कुछ ऐसा हो? कुछ मैं क्रिकेटर था। क्रिकेटर थे? क्या बॉलर या बैट्समैन? ऑलराउंडर था मैं, लेफ्ट आर्म बॉलर था। लेफ्ट आर्म बॉलर? यस। वसीम अकरम प्लस प्लस? नहीं, माइनस ही। इलेक्शन हुआ था हमारा जो बल्दियात का होता है, तो दोस्तों ने इकट्ठा करके मुझे कहा कि आप हिस्सा लें, लेकिन मैं खिलाफ था सियासत के बिल्कुल उस वक्त। यार पता नहीं इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, हम क्रिकेटर हैं यानी कि यंग जनरेशन के तौर पर अपना माइंड रखते हैं। जब मैंने उसमें हिस्सा लिया तो मैंने निज़ाम को देखा, तो फिर मैंने ये फील किया कि मुझे बिल्कुल ज़रूरत है इस मामले में कूदने की, कि हम इसमें घुसकर उन खामियों को दूर करें और अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी कौम के लिए और इनके मसाइल के लिए एक आवाज़ को लेकर अब असेंबली में पहुँचें और वहाँ पर इनके हल के लिए और इनकी खिदमत के लिए अपने आप को पेश पेश रखें। अच्छा मोमना जी, आप पढ़ी लिखी हैं, सेंसेबल हैं माशाल्लाह, हर फैसले करती हैं, पर हर फैसला आप खुद करती होंगी। एक जिंदगी का अहम फैसला होता है वो खुद करेंगी या वालिदैन के कहने पे करेंगी? कौन सा फैसला? यूपीएस कब लगवा रही? शादी मैंने करनी, मेरे माँ बाप ने तो नहीं करनी, उन्होंने कर ली शादी। आपका अपना फैसला? तो फैसले में कैसा शख्स होना चाहिए, कितना प्यारा होना चाहिए, क्या क्वालिटी इंसान का बच्चा होना चाहिए? तदेते उन्होंने क्या तड़ते थे अनपे के इंसान का बच्चा होना चाहिए। तो कैसा इंसान होना चाहिए, कोई क्वालिटी होती है ना? वेल आई मीन ऑनेस्टी, कंपैशन, पंजाबी जो दसो इन्हें नहीं समझ। हां हां जी, ये तो कॉलेज तो होने वापस आया है ना। कह रहे कि अगर को उर्दू में बताती जाए क्या क्या चीजें हैं। अच्छा उर्दू में बताती जाऊं? नहीं नहीं, आप इंग्लिश बोले, अल्लाह तो देख रहा ना, बोलो। नहीं, अच्छा इंसान होना चाहिए, आपकी राय मिलनी चाहिए चीजों पे, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आगे जिंदगी का आपका जो गोल है वो अलाइन होना चाहिए। मोमना जी, लुक्स मैटर करती हैं आपके लिए या नहीं? टू अ सर्टेन डिग्री बट नॉट रियली। लाइक अगर बंदे की, एक इंसान की पर्सनालिटी अच्छी हो, आई मीन अब ये भी नहीं है ना कि आपको बिल्कुल ही ना कोई अनअट्रैक्टिव लग रहा हो। आई डोंट थिंक लुक्स आर एवरीथिंग, हर चीज सिर्फ बंदे की। आई नो I know very much. वो जो बात कह रही है वो आप समझें उस बात को कि लुक्स मैटर नहीं करती उनको। नहीं करती है, बट उतनी उस तरह नहीं कि बस अगर आपकी शक्ल सूरत ही बस नहीं है सब जिंदगी में। आपको मैं कैसा लग रहा हूँ वैसे? साफ सुथरे यार। ये आपकी मैं अच्छी बात समझी, तो साफ सुथरा जवाब है। बस यही था जवाब। जवाब ही है जी, साफ सुथरा जवाब। साफ सुथरा आपको समझ आ गया, मगर कंपैशन होना चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए, ड्राइव होनी चाहिए, एंबिशन होना चाहिए, ड्राइव होनी चाहिए। दो इंसानों को एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर जिंदगी गुजारनी है किसी के साथ भी, तो इतना जान के आपको शादी करनी चाहिए। ये नहीं कि माँ बाप ने पीछे से सर मारा तो आपने कहा जी हाँ हो गया। हाँ, वो खुद लब लेंगी। इन्हें 500 दुपट्टा थे, एक सेहरा लिया, दुपट्टे खत्म हो गए, सेहरा उंजी पे। Good, how are you? You know what happened with me? I have no idea. Rishta mera unda unda hi ja pe hai. Vartman vich jo tene buzurg paaye ne, ho sakda hai koi mamla chahe ho jave, bach kharcha bada pae. Acha. But mainu na ek petrol pump te job mil gayi si. Othe mainu dekhne le aaye eh ladki wale. Petrol pump pe? Haan ji. Okay. Je you know main zyadatar western dress paana. Ji ji. उन्होंने मैंने आगे पूछे इस पेट्रोल पंप का मालिक कौन है? ठीक है। मैं बस एवं कह दीता, बस साहब समझे आपका ही है। अच्छा। वो समझे कि मेरा हैगा। ओ फिर आगे सारे रल के उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके साथ अपने बेटी की मैरिज कर देंगे। ठीक है। मेरे को ना गलती दे विच एक गलत बयानी हो गई, मैं कह बैठा है मेरा पेट्रोल पंप है, कुड यू प्लीज कोई ऐसा बंदा दियो जरा उठे जाके मोतबर तरीके नाल कवे भी ये बड़ा मेहनती है। हाँ। ये पेट्रोल पंप इसी का ही है भाई, जिस तरह ये काम कर रहा है एक दिन इसी का ही हो जाएगा। जो कहना मेरा ब्याह हो जाएगा, मेरा भला हो जाएगा,
ते नाले तू आ जा भी पला हो जाएगा। तू कुछ मेरा मामला काट दियो, मैं आपके पास आया हूँ, ये आप ये मत समझे कि मैं आपसे मांगने के लिए आया हूँ। माजी में पिछले 75 साल से हमारी मदद करते आ रहे हैं। मैं पूरी मेहनत और मोहब्बत के साथ पूरी कौम से कहूंगा अपने आप को तरक्की करें, मुल्क कौम अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। हम अब इससे काम नहीं चलेगा, अब इसको हमने छोड़ना है और कौम को आगे ले जाएंगे। हम इसको छोड़ेंगे तो आगे आएंगे। टोपी में नहीं डालना, इसको जेब में डालो। अच्छा जी, जी है ही नहीं और बात को समझ जाओ।